कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद मेजर चंद्रभूषण त्रिवेदी जी के स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे अदौरी खोरी पाकर पुल निर्माण संघर्ष के सदस्य संयोजक एवं क्षेत्र के समाज सेवी गण। हालांकि रास्ता न होने के कारण स्मारक स्थल तक पहुंच पाना एक टेढ़ी खीर है, पैदल पानी की बीच से पार करते हुए जाना पड़ता है। आज 20 वर्ष पूरे हुए 60 दिन तक चलने वाले उस कारगिल युद्ध जिसमें विजय तो प्राप्त हुई लेकिन हमने रत्न के रूप में अपने क्षेत्र से मेजर चंद्रभूषण त्रिवेदी को खो दिया था और आज इस दिवस पर उन्हें याद करते हुए ये एहसास भी कहीं ना कहीं मन के कोने में हो रहा है। आज हम मेजर चंद्रभूषण त्रिवेदी जी के स्मारक पे हैं। आज जैसा कि ज्ञात है कि कारगिल विजय दिवस है और 20वां साल आज कम्प्लीट हो रहा है कारगिल विजय दिवस का। हालांकि ये लड़ाई 60 दिन चली थी और 60 दिन के बाद समाप्त हुई थी लेकिन हमने एक अपने क्षेत्र का बहुत बड़ा रत्न खो दिया था, मेजर चंद्रभूषण त्रिवेदी जी जो उत्तरी बिहार के एकमात्र मेजर रैंक के शहीद थे, कारगिल शहीद। आज उनका स्मारक पे हम लोग हैं और यहाँ जो उदासीनता है नेताओं की, तमाम राजनीतिक दल कार्यकर्ता नेता जनप्रतिनिधि और प्रशासन सब मिला के 20 वर्षों में हमें इस लायक भी नहीं समझा कि इस स्मारक तक पहुंचने के लिए एक शहीद पथ दे दिया जाए। और इस शहीद पथ की मांग लंबे समय से चल रही है। 1999 में हुए कारगिल युद्ध और 1999 में हमने इनको खोया और तब से अब तक हमारी यह लड़ाई जारी है कि किसी भी प्रकार से कभी हम सांसद, कभी हम विधायक, कभी हम तमाम राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से अप्रोच करते रहे, प्रशासन से अप्रोच करते रहे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचे, इनके गौरव गाथा को जान पाए, इसके लिए जरूरी है कि शहीद पथ का निर्माण हो। यही नहीं, जब ये शहीद हुए थे तो आश्वासन के तौर पे राज्य सरकार द्वारा जो ये भी आश्वासित किया गया था कि यहाँ पे बालिका गर्ल्स स्कूल का निर्माण होगा शहीद के नाम पे। आज हम जिस स्कूल के लिए संघर्ष कर रहे हैं उसका भी नाम शहीद मेजर चंद्रभूषण त्रिवेदी जी के नाम पे रखा जाए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन यहाँ स्मारक की स्थिति भी यह है कि कहीं व्यवस्था कुछ पता ही नहीं चलता है। अगर जिसको जानकारी नहीं है वह दूर से बता भी नहीं सकता कि यहाँ किसी इतने बड़े गौरवशाली और इतने बड़े कारगिल युद्ध के मेजर रैंक के शहीद का स्मारक होगा, ऐसा देख के कहीं से पता नहीं लगता है। वह तो हम लोग जानते हैं इसलिए हम लोग को पता है, क्योंकि शासन प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता का आज 20वां वर्ष होने जा रहा है और आज हम यहाँ श्रद्धा